उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग द्वारा भाजपा शासन के 4 वर्ष पूरे होने पर जनपद महासचिव पी के पांडे की अध्यक्षता में बौद्धिक विमर्श पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संरक्षक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंडित रामकृष्ण द्विवेदी, अध्यक्ष संपूर्णानंद, जनपद उपाध्यक्ष बीबी उपाध्याय, संयोजक एसपी त्रिपाठी सहित अन्य अतिथियों ने बौद्धिक विमर्श कर अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि पंडित रामकृष्ण द्विवेदी ने कहा, उत्तर प्रदेश शासन आज हमारे बीच में उपस्थित है और पार्टी प्रेसिडेंट भाई डॉक्टर कविता दास 550 रुपये इसका मूल्य रहता है। बहुत देर से यहां बैठे हुए हैं, पिन ड्राफ्ट आए हैं। ऐसे में मुख्य अतिथि को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ये पहुंची है कि कोई भी सार्वजनिक बैंक कभी बंद हो सकता है। और 2020 में ग्लोबल रिसेशन आएगा और उस ग्लोबल रिसेशन को हम कैसे रोक पाएंगे, इंडिया गवर्नमेंट की कोई तैयारी इन्वायरमेंट नहीं हो रहा है और कुछ लोगों के और फायदा उठा दिया जा रहा है। कश्मीर में अभी रिसेंटली आया है कश्मीर में कि 4.5 लाख गवर्नमेंट इम्प्लाई को जबरदस्ती अनिल अंबानी की इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया है। ये कंपनी को फायदा देने के लिए 4.5 लाख लोगों का जबरदस्ती इंश्योरेंस कराया जा रहा है सरकारी इम्प्लाई। तो केवल 2-4 गिने चुने बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, केवल वोट के फायदे के लिए ही सरकार काम करे और किसी के लिए नहीं करे। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे मित्रों को की दृष्टि हमारे ऊपर रहती है इन दिनों। अभी किसी ने कहा कि ये तो मोदी शासन के 4 वर्ष इनका बुद्धि बौद्धिक विमर्श का व्यक्त। हमारे संचालक महोदय ने उस पर कहा कि ये बहुत बड़ा तंज, बहुत बड़ा व्यक्त, लेकिन ये व्यक्त मोदी के ऊपर नहीं, ये व्यक्त आपके ऊपर। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने पूरी दुनिया के संविधान देशों के संविधान बनाया, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये कल्पना नहीं कि जिस कुर्बानी के बाद के आजादी हमको मिली उसके वाहक के रूप में जो हमारा प्रतिनिधि समुदाय वो अपनी जिम्मेदारियों से विमुक्त हो जाएगा और एक ऐसा भी दिन आएगा जब इस तरह का व्यक्ति देश का नेतृत्व करने लगेगा, इस तरह का व्यक्ति देश का सुधार विवर करेगा। डाला जा सकता है। मित्रों, ये खतरे की घंटी है। महात्मा
में 150वें वर्षगांठ है। आज विचार मंच के वैचारिक आधार को उन्होंने वर्तमान शासन के कुछ वर्षों को कसौटियों पर कसने की बात कही है। एक और गांधी की जन्म धारा है, ऐसी धारा जिसने नई क्रांति का उद्भव किया है, ऐसी धारा जिसके जन्म के पूर्व मैं केवल पृष्ठभूमि के लिए कुछ पन्नों को छूना चाहता हूं और इसके बाद मैं मूल पसंद मूल विषय के रूप की ओर झांकने की कोशिश करूंगा। ऐसी क्रांति मैं इसलिए कह रहा हूं कि महात्मा गांधी के पैदा होने के पहले न सिर्फ पूरे के हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में सामाजिक और आर्थिक तब्दीली का औजार क्या था, रक्त क्रांति थी, तलवार और बंदूक थी, बम की गड़गड़ाहट थी। और महात्मा गांधी के जन्म के बाद उन्होंने एक ऐसी क्रांति का उद्भव किया जिसमें हिंसा नहीं किंतु मस्तक की बल थी। ऐसी क्रांति जिसमें रक्त नहीं रक्तदान की आकांक्षा थी। ऐसी क्रांति जिसमें प्रतिहिंसा के भाव न होने पर भी मस्तक की बल थी। उस महात्मा गांधी ने निहत्ते शस्त्रहीन होकर के साधन और शांति की पवित्रता को बल दिया। केवल भारत नहीं सारे संसार को संदेह हुआ यह नंगा फकीर, यह बिना ठगों बिना धर्म के बिना शस्त्रों की धनकार के बिना हथवा हथियार के ये ऐसे साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहा है जिसके पांव तले धरती का एक बड़ा भूभाग निकला जा रहा है। आज वो हमारा विषय नहीं है। मैंने जो बात उसका स्पष्ट किया है कि इन्होंने किन परिस्थितियों में गर्व किया था, इनका संतुलित समन्वय नहीं किया जाता, संघर्ष अवश्य भावी है। इतिहास के अनुभव ने ऐसे कर दिया। ऐसे शक्तिशाली संगठन के अभाव में कोई भी राजनीति सफल नहीं हो सकती, चाहे सिद्धांत के क्षेत्र में उसका कितना ही प्रतिबिंब स्थान न हो। इसीलिए उस वैचारिक श्रृंखला में गांधी रत्न सुरक्षा का काम कर रहा है। साथियों, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि तानाशाही की समाप्ति और फैसलों के उदय दूसरी दुनिया की दूसरी लड़ाई विश्व के दूसरे युद्ध को जन्म दिया था और उसी कमक्रम में साम्राज्यवाद के उदय और शीत युद्ध के आर्थिक चरण ने एशिया और अफ्रीका के मुल्कों को ऐसी स्थिति जिसे नए परिवर्तन के नए तब्दीली के रूप में देखा जाता है। उस क्रम में आज का विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आपसे स्पष्ट किया जंगे आजादी की लड़ाई का उसके साथ उसके गहराई में जाना किसी और दिन और विषय की विवेचना का समय होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक विचार मंच की स्थापना की गई है जो थिंक टैंक का कार्य करती है और वस्तुतः दलीय राजनीति का धर का गठन भी वैचारिक आधार पर होता है। तो नीति नियम कार्यक्रम और आदर्शों के अनुरूप कांग्रेस की स्थापना हुई थी जिसमें निश्चित किया गया था कि स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर भी सेवा संघर्ष और बलिदान का इतिहास लिखने वाले लोग मिलकर देश को आज़ाद कराएंगे। आज़ादी के बाद देश की प्रगति और उत्थान कांग्रेस के साथ देश के संविधान की रचना और शोषण मुक्त समता परक समाज की स्थापना कांग्रेस का उद्देश्य था। हमारा वैचारिक मंच कांग्रेस की नीति निर्धारित करता है, रणनीति निर्धारित करता है और जन समस्याओं का निराकरण करण भी करता है। आज का विषय था मोदी सरकार के 4.5 वर्ष जिसमें
पूरी तरह से एक वस्तुनिष्ठ व्याख्या की गई और ये निश्चय किया गया कि मोदी सरकार के कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बद से बदतर हुई है, आर्थिक राह में चट्टाने बिछी हैं उसकी प्रगति के, सामाजिक ढांचा चरमरा रहा है, धर्म और संप्रदाय को राजनीति से जोड़कर बिलगाव का हथियार बनाया जा रहा है, भयमुक्त समाज के स्थान पर भययुक्त समाज की स्थापना की जा रही है। मोदी की भाजपा सरकार एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वैचारिक दृष्टि से वह लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहता है। मोदी सरकार की असफलता को भी रेखांकित किया गया और विचारोपरांत सब लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे उसकी पूरी तरह से कि मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं, केवल जुमलेबाजी की है और मोदी जी ने जनता को भ्रमित करके ये कहा था कि भाजपा की सरकार के स्थापना के बाद हम आर्थिक मोर्चे पर सफल रहेंगे, पूरी तरह से विफल रहे हैं।